नमस्कार, कल्पनास फिटनेस सेली में आपका स्वागत है। मैं कल्पना राठौड़, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर थेरेपिस्ट, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। नसों में दर्द, वेरिकोज की प्रॉब्लम, नसों का ऐसा जैसे कि एक जगह गुच्छा बन गया है, हरी नीली नसें हो जाती है, उस तकलीफ के लिए, साथ ही साथ स्लिप डिस्क के लिए, साइटिका के लिए, जिसका पेन हमारा L4 L5 में यदि वेंस नस दबती है, जो कि नस हमारी L4 L5 से होती हुई है नीचे पैर की एड़ी तक जाती है और इतना अधिक तकलीफ होती है, हमको उठना बैठना चलना फिरना इतना मुश्किल हो जाता है। इस सभी तरह की नसों की प्रॉब्लम के लिए इतना एक आज इफेक्टिव ऐसा उपाय जिसे करेंगे 3 से 4 दिनों में आपको सामने रिजल्ट नज़र आएंगे, लेकिन यदि आप इसे कंटिन्यूसली कर लेंगे तो परमानेंटली आपकी नसों की सारी प्रॉब्लम ऐसे दूर हो जाएगी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ घरेलू चीज़ों की आवश्यकता है, वो चीज़ें भी इजीली अवेलेबल होने वाली है। और उपाय कब करना है, कैसे इस रेमेडी को बनाना है, इसे जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। बीच से स्किप करेंगे तो जानकारी आपको पूरी हासिल नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको उपाय बता देती हूँ, साथ ही साथ एक मसाज का तेल, क्योंकि जब साइटिका का पेन होता है या जो वेरिकोज की नसें होती है जिनका गुच्छा बन जाता है, उसके ऊपर हल्का सा प्रेशर देकर, ज़्यादा आपको दबाव भी नहीं देना है और मसाज हल्के हल्के हाथों से, लेकिन किस तेल से मसाज करना है और उस तेल में आपको क्या डालना है, यह जानकारी भी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमें कौन सा उपाय, पहले रेमेडी कौन सी करना है। तो उसके लिए आपको लेना है सूखी धनिया। मैं आपको दिखा देती हूँ, सूखी धनिया, 1 चम्मच सूखी धनिया ले लीजिए। यह ड्राई धनिया जिसे कहते हैं, मसालों के रूप में सब्जी में हम अक्सर ये धनिया का प्रतिदिन यूज़ करते हैं मसाले में, यह आपको 1 चम्मच ले लेना है। और उसके साथ दूसरी चीज़, यह 1 इंच कलमी या दालचीनी जिसे कहते हैं, इसका भी आप 1 इंच टुकड़ा ले लीजिए। और तीसरी जो चीज़ है वह जिंजर यानी कि अदरक, और इसका भी आपको 1 इंच टुकड़ा ले लेना है। और चौथी चीज़ जो है वह हल्दी है, यह हल्दी ग्रीन, ऐसी ताज़ी हल्दी भी अभी विंटर के सीज़न में मिलती है, और यह हल्दी आप इसका 1 इंच इसका भी टुकड़ा ले लीजिए। और यदि आपके पास यह गीली ताज़ी हल्दी नहीं है तो आप 1/4 चम्मच सूखी हल्दी उसे ले सकते हैं, और इन चारों चीज़ों को मिलाकर 1 ग्लास पानी में डाल दीजिए और उसे अच्छी तरह उबालिए, और जब वह आधा रह जाए तब उसे आप छान लीजिए। और इसे, इस रेमेडी को लेना कब है, तो इसे सुबह खाली पेट, सबसे पहले इसे खाली पेट लेना है। और यदि आप इसमें कुछ मीठा करना चाहते हैं तो जब इसे छान लेंगे और जब यह कुनकुना हो जाएगा उसके पहले इसे गर्म में कभी नहीं मिलाना है, छान लीजिए कुनकुना हो जाए, उसके बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिलाना है। और जिसे शुगर या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वह शहद बिल्कुल ना मिलाए, और फिर इसे सुबह घूंट घूंट कर पी लेना है, और प्रतिदिन सुबह इसे 1 बार लेना है। और आप देखेंगे 3 से 4 दिनों में ही इतने सुंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ही आसान रेमेडी भी है और रिजल्ट इसके बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि चारों चीज़ें इस तरह के औषधीय गुणों से भरी है कि हमारी जो नसों की प्रॉब्लम है, नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट कर देती है, और फिर जो प्रॉब्लम होती है हमें वो परमानेंटली क्योर हो जाती है, और 100% इसके रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि जो मेरे सेंटर में लोग इस तरह के साइटिका वाले, स्लिप डिस्क वाले, वेरिकोज वाले आते थे, उनको मैं यह रेमेडी बताती थी और बहुत ही सुंदर इसके रिजल्ट मिलते थे। इसके बाद जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस ऑयल से मसाज करना है और उस ऑयल में क्या मिलाना है, तो आपको तिल का तेल ले लेना है। आप 100 ml तिल का तेल ले लीजिए और उसमें 1 जायफल, यह जायफल यह भी किराने की दुकान में इजीली मिलता है, 1 जायफल ले लीजिए और उसे बारीक महीन इसका पाउडर बना लीजिए और तिल के तेल में इसे मिला देना है, इसको गर्म नहीं करना है। और फिर जहाँ पर भी नसों का गुच्छा बन जाता है, वेरिकोज में क्या होता है कि वेंस पूरी नीली नीली और ऐसे गुच्छा सा बन जाता है, बहुत पेनफुल होता है वह भी, तो वहाँ पर इस ऑयल से, तिल का तेल और जायफल जो मिलाया है उस ऑयल से आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए, और वेरिकोज वाले को 2 से 3 बार दिन में अवश्य मसाज करना चाहिए। और जिन्हें साइटिका की प्रॉब्लम है उसे भी L4 L5 से जो नस दबती है वहाँ से होते हुए वह पैर के जो एड़ी तक जाती है आपको मसाज करना चाहिए, उसे भी 2 से 3 बार कर लीजिए, क्योंकि साइटिका का पेन भी बहुत ही असहनीय होता है। किसी भी तरह की नसों की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा यह फार्मूला है।
और जिसे कह सकते हैं कि मैजिकल ट्रिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वे भी इसको उपयोग में ला सके और अपने प्रॉब्लम को दूर कर सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। चलते चलते कह देती हूँ कि चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट वहाँ भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।